अच्छा यहाँ से फिर लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आएगा, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से जो होगा ना फिर आगे जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, इसके जो होंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफिस होगा उसमें दो कस्प होंगे, ठीक है, एक एंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है, यानी बाइकस्पिड होगा या माइट्रल वॉल्व होगा। माइट्रल बेसिकली वो होता है कि माइट्रल कहते हैं वो जो बिशप होता है ना या जो पोप होता है तो उसकी वो कैप टाइप सी होती है, वो इसी शेप की होती है, तो वो माइट्रल वॉल्व हो जाता है। फिर उसके बाद जो है ये पेपिलरी मसल होंगे इसमें, ठीक है, वही जो उसके साथ कॉर्डेड हेडनी के साथ होंगे, इसमें भी ट्रबैकुलरी कार्नी होगी, ठीक है। अब इधर से ब्लड जाएगा इसकी ये अयोटा में, इसकी इतनी इधर से शो नहीं हो रही वैसे लेकिन है सही, ठीक है, तो यहाँ से अयोटा में जाएगा, ठीक है, ये जो है ये अयोटा में जाएगा ब्लड, ठीक है। अब इसका भी यही है कि एक रफ पोर्शन है और एक स्मूथ पोर्शन है, उसका जो था रफ था और स्मूथ था तो उसके दरमियान जो चीज़ थी वो था इंफंडिबुलम, इसके जो रफ और स्मूथ के दरमियान होगा तो वो होगा वेस्टिब्यूल होगा, ठीक है, तो वेस्टिब्यूल जो होगा वो बेसिकली उसके आगे जाएगा फिर अयोटा में जाएगा ब्लड, ठीक है, अयोटा से फिर पूरी बॉडी में जो होगा ये कॉन्ट्रैक्ट, इसमें इंफंडिबुलम ये था ना, ये पोर्शन इंफंडिबुलम था, इसमें ये वाला पोर्शन जो होगा ना ये वाला इंफंडिबुलम, ठीक है, ये जो ये सुपरा वेंट्रिकुलर रिज भी कहते हैं या फिर इंफंडिबुलम, ठीक है, अच्छा, और इसमें जो है ना एओर्टिक में ये वाला रीजन जो है ना ये बेसिकली वेस्टिब्यूल होगा, ठीक है, तो यहाँ अच्छा यानी स्मूथ और रफ के दरमियान जो बाउंड्री टाइप सी है ना उसको कहेंगे हम इंफंडिबुलम, या ब्लड एओर्टा में जाएगा, ठीक है, जैसे ही वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सेमिलुलर वॉल्व जो है ओपन हो जाएंगे, ऊपर ब्लड जाएगा, ठीक है, जैसे ही डायस्टिली होगी तो वो क्लोज हो जाएंगे, ठीक है, जो सेमिलुलर वॉल्व है, ठीक है, तीन सेमिलुलर होंगे उसी तरह। अच्छा अब इसमें खास ये है कि सेमिलुलर वॉल्व के भी नाम है, ठीक है, यानी उसके कस्प के भी नाम, ठीक है, इसमें जो थे एंटीरियर पोस्टीरियर सेप्टल, ठीक है, इसमें क्या है कि जो पल्मोनरी है उसमें होंगे एंटीरियर और लेफ्ट राइट, ठीक है, जो एओर्टा है उसमें होंगे पोस्टीरियर और लेफ्ट राइट, उसमें एंटीरियर और लेफ्ट राइट, इसमें पोस्टीरियर और लेफ्ट राइट, ठीक है, तो इसमें ये देखें इस तरह ये पोस्टीरियर है और ये लेफ्ट और ये राइट, ठीक है, इसके शो नहीं हो रहे लेकिन इसमें पोस्टीरियर है लेफ्ट और राइट, ठीक है, इसमें होंगे एंटीरियर लेफ्ट और राइट, ठीक है, तो ये होगा, तो ये फर्क है, ठीक है। अब फिर सर्कुलेशन में बात करूँगा, ठीक है, अच्छा, तो इसके बाद जो फीटल रेमिनेंट्स आ जाते हैं, फीटल रेमिनेंट्स में जो है ना वो एक होता है फोसा ओवेलस, ठीक है, फोसा ओवेलस जो है वो बेसिकली पहले जो होता है फीटल लाइफ में फोरामेन ओवेल होता है, ठीक है, फोरामेन ओवेल, ठीक है, फोरामेन यानी खुला हुआ यानी जो होल जिसके थ्रू जा सकते हैं, और फोसा यानी जो क्लोज हो गया खाली डिप्रेशन टाइप से है, ठीक है, तो बाद में जो होता है क्लोज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि बेसिकली वन साइडेड है ना, ठीक है, तो वन साइडेड इस तरह की यानी इस तरह है, ठीक है, यहाँ से तो जो आपके पास पहले क्या होता है कि राइट एट्रियम में ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक है।